गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज कुछ हट के बात करूंगा, कुछ चौंकाने वाला झटका देने वाला बात करूंगा। अभी कोरोना का सीजन चल रहा है, हाहाकार अफरा तफरी मचा हुआ है। चीन अब तक बोलता आया है कि कोरोना कोई लैब मेड नहीं है, वो लोग नहीं फैलाया है, वुहान का सी फूड मार्केट से यह फैला है, पुराना वायरस है, फलाना ढिंका ये वो वगैरह वगैरह जो बोलना था बोल दिया। आज मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। एक बुक पीडीएफ फाइल में है मेरा पास। इस बुक का नाम है द आईज ऑफ डार्कनेस। ऑथर है, आपको दिख ही रहा है, डीएन कुंतेज। ये बुक पब्लिश हुआ था 1 फरवरी 1981, तो करीब 40 साल पहले। इस बुक में आप वन लिख के, यहाँ पर जो मैंने स्पेलिंग लिखा है, लिख के सिंपल सर्च मारिए, देखिएगा यहाँ पर 1400 बोल के ऑप्शन सिलेक्ट हो गया है। इस बुक में ऑलरेडी चाइना का वायरस के बारे में लिखा हुआ है। आज का तारीख पे जो अभी हम लोग कोरोना का नाम से जान रहे हैं, वो लोग नाम रखा है 1400। और ये RDNA लैब बेस, ये मैन मेड वायरस है और ह्यूमन लैब में ये रखा हुआ है। और ये बुक अगर आप पढ़ेंगे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि चाइना जानबूझ के इस वायरस को फैलाया है। उसका उद्देश्य ये था, अपना देश का गरीब लोगों को पहले हटाएगा, क्योंकि इसका इलाज महंगा होगा तो आबादी कम होगा, जनसंख्या कंट्रोल होगा। इसका संग संग इस वायरस को दूसरे देश में फैला के अपने आप को इकोनॉमिक में पावरफुल बनाना चाहता था और पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में राज करना चाहता था। अब देखिए इन लोगों का वजह से आज कितना लोगों का घर उजड़ा, क्या क्या नहीं हुआ है। अगर आज का तारीख पे अगर हम सब मिल के चीन को अगर बायकट नहीं किए, मतलब चीन को अगर नहीं त्यागा, आप हम सब मिल के चीन का हर एक सामान, चीन से कांटेक्ट अगर नहीं तोड़ेंगे, ब्लैक देश आतंकवादी देश घोषित करके जब तक हम लोग नहीं त्यागेंगे, लाइफ भर उसको त्याग नहीं पाएंगे। वो लोग ऐसे, मतलब चीन का राष्ट्रपति ऐसे करके थोबड़ा करके खड़ा है अपना देश का मंत्री के सामने, जैसे कि वो भीगा हुआ, मतलब बच्चा है, लेमन जूस खाता हुआ बच्चा है, दूध पीता हुआ बच्चा है, थोबड़ा देखने लायक है। मैंने देखा है एक वीडियो में, फोटो में, तो मतलब क्या बोले आपको। अगर चीन का अगर प्लान अगर आप लोग आज नहीं यूटिलाइज़ किए, अगर नहीं समझे, दिमाग नहीं लगाए, पूरा ज़िंदगी भर रोते रहिएगा। आज कोरोना छोड़ा है, कल और कुछ छोड़ेगा। H1 वायरस चाइना से आया है, M1 चाइना से आया है, स्वाइन फ्लू चाइना से आया है, बर्ड फ्लू चाइना से आया है, कोरोना चाइना से आया है। ये साला लोग जैविक हथियार का मतलब प्रोडक्शन करता है। डायरेक्टली किसी पर तो बम नहीं गिरा सकता, धीरे 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 मारने का प्लान है। पूरा दुनिया को अपना कब्जे में, अपने कदमों में झुकाना चाहता है। तो मत सुनिएगा, पूरा झूठा है। इस पूरा बुक को पढ़िएगा, पता चल जाएगा आपको। थैंक यू सो मच।